हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं आज आप लोग के लाया हूँ डेली ऑब्जेक्ट्स का एक पावर बैंक जो कि मैक से कंपैटिबल भी है और 10,000 mAh का है। देखिए, ये है वो प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। पैकिंग के हिसाब से काफ़ी सही है और हमें देखना है कि बात ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है और ये पीछे इसकी सारी डिटेलिंग है। ये देखिए, इसके अंदर हमें एक पावर बैंक मिलता है, साथ में ये हमको इसका एक रैप मिलता है रखने के लिए, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, और ये कुछ हमको मेटल मिलता है। देख लेते हैं हम इस पावर बैंक को। जैसा ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पावर बैंक है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का दिखता है। इसका जो पंप है ये थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, ये देख सकते हैं इसे आप। इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी होती है, डेली ऑब्जेक्ट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे इसकी रेगुलेटर दी हुई है और देखिए यहाँ पे भी डेली ऑब्जेक्ट की ब्रांडिंग दी है। इसमें एक और फीचर है कि इसमें एक स्टैंड दिया हुआ है, इस स्टैंड को आप रख के कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी जो फिनिश है वो प्लास्टिक की ही है, बट इसका प्लास्टिक काफी हार्ड और मेटलिक फील होता है। और एक और चीज, इसका ये बटन है, इसके ऊपर फोन रखने से या फिर कोई भी चार्जिंग ऑब्जेक्ट रखने पे ये ऑटोमेटिक से डिटेक्ट नहीं करता है, हमको ये बटन प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ही ये वर्क करता है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए मेरा आईफोन है, तो मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, देखिए इसको 100% शो करने लग गया और चलने लग गया। ओके, बट एक्चुअली मैंने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उसमें ऐसे नहीं वर्क करता था, लकीली आज ही वर्क कर रहा है। देखिए ये देखिए, ऑटोमेटिकली ये चार्ज हो रहा है। और इसका यहाँ पे हम देख लीजिए, ये यहाँ पे इसका USB-C का वन ही एक ही पोर्ट है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए। 18 वोल्ट इनपुट ये लेता है और 20 वोल्ट की ये आउटपुट देता है वायर से। और इसकी जो ये चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, ये 15 वाट देता है मैक्सिमम, जो कि अभी के टाइम में अच्छे, या ये कह सकते हैं आपकी, हाँ अच्छे जितने भी वायरलेस चार्जर हैं उनमें 15 वाट ही मैक्सिमम है और जो कि सेफ रहती है हमारे फ़ोन के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं 10,000 की है, 10 इसमें 100% शो कर रहा है और धीरे धीरे डिग्रेड होगी, आप दिख सकती है। मैंने इसको यूज़ किया था, ये अराउंड 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हुआ था, 0 से लेके 100% तक। और ये आपके फ़ोन को कितने देर में, कितना ज़्यादा चार्ज करेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फ़ोन चार्ज करें। जैसे कि मेरा ये आईफोन 13 mini है, इसकी बैटरी अराउंड 2400 है, तो ये इसको 3 बार इजीली चार्ज कर देता है। अगर आपको कोई दूसरा वेरिएंट है, बड़ा फ़ोन है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये देखिए, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एयरपॉड्स प्रो, ये एयरपॉड्स को भी चार्ज कर देता है, केस की वजह से टाइम लग रहा है। अगर देखिए आप माइक भी दिख रहा हो, ये ग्रीन जल रहा है, ये इसको भी चार्ज कर सकता है। और दूसरी चीज़, इसकी ये जो हल्का सा एक एक्स्ट्रा मैग्नेट है, इसका यूज़ मैं आपको बताऊं। आईफोन मोस्टली, आईफोन के अंदर जो भी रिंग होती है, जैसा सारे आईफोन जो भी अंदर रिंग होती है मैग्नेटिक, वो सिर्फ सर्कुलर होती है। अगर हम सिर्फ सर्कुलर हम मैग्नेटिक रिंग देंगे तो वो इसको चिपक जाएगी, पर रोटेट होने के चांसेस रहेंगे। इस एक्स्ट्रा मैग्नेट से वो एग्जैक्टली सेम ऐसे स्ट्रेट रहती है पावर बैंक पे, ताकि अलाइनमेंट खराब नहीं होता है उससे। वैसे मैंने इस फ़ोन में कवर लगा रखा है, उसके बाद मैं इस मैग्नेट को यूज़ कर रहा हूँ पावर बैंक को तो चार्ज करा, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका जो हल्का सा बम्प निकला हुआ है, इस बम्प का एक बहुत फ़ायदा है कि ये मेरा आईफोन 13 मिनी है, जो कि आईफोन का सबसे छोटा वेरियंट है, सब साइज़ में सबसे छोटा वेरियंट है, ये इसके अंदर भी ईजिली आ जा रहा है। और ये जो हल्का सा गैप इस बम्प की वजह से है, ये जो आप देखिए देख सकते हैं, ये इस बम्प की वजह से हमारा जो कैमरा बम्प है, अगर उससे भी ये
हिंडर नहीं करता, अगर हिंडर भी करता तो एक बम की वजह से उसको थोड़ी सी सेफ साइड मिल जाती। कुछ कुछ में होता है ना कि फॉरवर्ड में आपने देखा होगा कि वो पूरा उसके कैमरा बम से लड़ने लग जाता है, उनका साइज इतना बड़ा है, इस चीज़ में वो इशू नहीं है। और दूसरा, अगर ये आईफोन 13 मिनी के साथ भी इतना ईजिली एडजस्ट हो जा रहा है तो बाकी वेरियंट जो इससे काफ़ी बड़े हैं उनमें तो बहुत ईजिली वर्क करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को तो ये बहुत ही सही प्रोडक्ट लगा। इसकी प्राइसिंग है 6000 है, जो कि आपको डेली ऑब्जेक्ट्स पे या फिर किसी दूसरे अदर साइट पे मिल जाती है। पर अगर आप पास यूनिडेस का मेंबरशिप है, जो कि स्टूडेंट मेंबरशिप जो स्पेशली स्टूडेंट्स को मिलती है, उस टाइम पे मेरे पास थी बट मैं ऐसे अप्लाई करना भूल गया था, तो उससे आपको 25% फ्लैट मिल जाएगा ऑफ, तो जिससे कि 4500 में आपको मिल जाएगा। और अभी हमारे डेली ऑब्जेक्ट में ऑफर चल रहा है कि 2000 से ऊपर की शॉपिंग पे आपको एक डफल बैग दिया जाएगा, तो वो डफल बैग भी कॉस्टिंग अराउंड 3000 है, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी डील है अभी के अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो। और खास बात एक तो आपने देखी नहीं थी कि ये मैग्नेटिक रिंग वाला आता है, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, जितने भी वायरलेस चार्जर हैं बहुत ही कम है जिसके अंदर ये मैगसेफ का जो एप्पल का ऑफिशियल आता है मैगसेफ पावर बैंक, उसकी जैसी ये रिंग शो करने वाला, ये बहुत ही रेयर है, आई थिंक ये सेकंड ही होगा। तो उस अकॉर्डिंग ये सारे आपके फुलफिल करता है नीड्स को, बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम शो होता है और साथ में ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप जो रेगुलर पावर बैंक भी लेते हैं वो 2000 के अकॉर्डिंग लेते होंगे, तो 2000 में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला के इसको ले लेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्लीज़ इसको लीजिए। और मुझे कोई रिव्यू है तो ज़रूर दीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।